लगता है गिरना ही पड़ेगा उस जंगली बिल्ली के कदमों में। ये वक्त भी आना था स्वन मुनि। ये क्या हरकत है? छत पे आओ। क्या? ओ बैरी छत पे आओ। छत पे आओ। क्यों पागलों की तरह पत्थर मारे थे तुम? ऐसा करो, माचिस बनाने वाली फैक्ट्री खोलो, तीलियां अच्छी लगाती हो। और तुम खेवड़ा की सारी नमक की कानों का ठेका ले लो। जख्मों पे नमक छिड़कना बहुत अच्छी तरह आता है तुम्हें। ऐसा कौन सा नमक छिड़क दिया मैंने जो भड़का के भेज दिया बिट्टू आपा को शिकायत लगाने के लिए? तुम कब से मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट होने लगे कि तुम्हारे घर में शिकायती वक्त भेजूंगी? मेरी तो जूती कोई परवाह नहीं। अपने लंडे की जूती ना अपने पास ही रखो, दोबारा नहीं बजाऊंगा हॉर्न। अब किसी को चाबी देने की जरूरत नहीं है। अरे मैं लानत भेजती हूँ ऐसे ताले चाबियों पर। और चलो किसको यहाँ से मुंह उठा के आ जाते हो? मुंह रख के कैसे आते हैं? ये मैजिक आज तुम ही सिखा दो मुझे। हाँ अरे जाओ जाओ काम करो अपना। तुम्हें वो घर बेचना नहीं चाहिए था। वैसे तो शजी को कार भी नहीं बेचनी चाहिए थी। अब क्या रिक्शा टैक्सी में तुम्हें लेकर जाएगा जगह जगह? नहीं, वो मानो की गाड़ी होती है ना घर में। मानो की गाड़ी? मानो की कार तो यूनिवर्सिटी में आधा दिन खड़ी रहती है। और अगर उस वक्त तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे उसको कहा था सज्जी से कि छोटी मोटी गाड़ी खरीद ले, मगर वो तो इतनी अकल होती ना तो कौड़ी कौड़ी का मोहताज ना होता यूं। ये लो। ये क्या है? मुझे क्यों दे रही है? सज्जी को दे देना ना, दो दफा ख्वाब में देखा है, परेशान है वो। हाँ वैसे परेशान तो है वो, मगर मुन्ना जो है वो उधम मचाएगा शोर करेगा तो? उसका हिस्सा अलग कर दिया मैंने। और वैसे भी वो चीखे चिल्लाए रोए धोए मुझे उसकी परवाह नहीं है, किसी की भी परवाह नहीं है सवाए आपके।